सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 8, शाबाश सुनीता विलियम्स, पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम व्याख्यान 1 में पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, यह चित्र सुनीता विलियम्स का है। इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ था। जन्म स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत के यूकिल्ड शहर में हुआ था। माता बोनी पांड्या, पिता दीपक पांड्या, पति माइकल विलियम्स। शिक्षा फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। अभिरुचि दौड़, तैराकी, बाइकिंग, विंड सर्किंग, स्नोबोर्डिंग। कार्यरत एक एस्ट्रोनॉट के रूप में वर्ष 1998 से नासा में कार्यरत। उपलब्धियां अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला। 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 194 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन STS-116 के लिए 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स ने जो समय गुजारा उसकी कुछ यादें उन्होंने अपनी स्पेस डायरी में लिखी हैं। डायरी से सुनीता की कुछ खास यादें। शुरुआती पल अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगी। कक्ष में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। शरीर ही नहीं, दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। चार घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा
स्पेस सूट बदबूदार नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यान जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वे पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है। इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है, हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। स्पेस फूड। स्पेस शिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने डिब्बे खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए खाने के पीछे मैं उड़ती रही और यान की दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया। ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सॉस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं बल्कि तैरता है। सबसे मज़ेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। भारतीय व्यंजन मुझे बहुत पसंद हैं। लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ हैं तो कई हानियां भी। यहाँ हमें रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। यहाँ रोज़ रोज़ की चिंताएं नहीं होती। हम अपने गृहस्थ को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती हैं। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं। बारिश। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं
6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ। धरती को छूना। मैंने काफ़ी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। मेरी पसंद पिस्ताचियो है, जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी वह अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपने जीवट से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। बच्चों, इस पाठ को एक बार पुनः पढ़ते हैं। बच्चों, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को हुआ। जन्मस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहियो प्रांत का यूकिल्ड शहर। माता बोनी पांडा, पिता दीपक पांडा, पति माइकल विलियम्स। शिक्षा फ्लोरिडा के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री। अभिरुचि दौड़, तैराकी, बाइकिंग, विंड सर्फिंग, स्नोबोर्डिंग। कार्यरत एक एस्ट्रोनॉट के रूप में वर्ष 1998 से नासा में कार्यरत। उपलब्धियां अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी व विश्व की तीसरी महिला। 50 घंटे 40 मिनट तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 194 दिनों तक रहने का विश्व रिकॉर्ड। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स सहित 10 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर नासा के मिशन एसटीएस 116 के लिए 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी ने उड़ान भरी थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता विलियम्स ने जो समय गुजारा, उसकी कुछ यादें उन्होंने अपनी स्पेस डायरी में लिखी हैं। डायरी से सुनीता की कुछ खास यादें। शुरुआती पल अंतरिक्ष में आते ही कैसा लगा, यह बताते हुए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कक्ष में आने के पहले 6 घंटे मेरे पेट के लिए बड़े मुश्किल रहे। शरीर ही नहीं, दिमाग को भी व्यवस्थित करना पड़ता है। 4 घंटे तक हम अपनी कमर के बल थे। खुशकिस्मती से हम डायपर पहनते हैं और पेट की गड़बड़ से हमारा स्पेस सूट बदबूदार नहीं होता। लेकिन
धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और बाद में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यान जब पृथ्वी से उड़ान भरता है तो वे पल बड़े रोमांचक होते हैं। उड़ने से 6 सेकंड पहले इंजन की घड़घड़ाहट गजब की होती है और हम पूरी तरह हिलने लगते हैं। सॉलिड रॉकेट बूस्टर के उड़ान भरते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है, इससे हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। हालांकि धीरे धीरे हालत बेहतर होने लगती है। स्पेस फूड। स्पेस शिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है। उस दिन जब हमने अपने डिब्बे खोले तो मेरे डिब्बे से सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा। अब हवा में तैरते हुए खाने के पीछे मैं उड़ती रही और यान की दीवारों तक पहुंचने से पहले उसे पकड़ लिया। ढक्कन बंद करके मैंने दोबारा खोला तो सॉस फिर से बाहर आया और मेरे चेहरे पर जा लगा। ऐसा कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। खाना डिब्बे से बाहर निकलकर गिरता नहीं बल्कि तैरता है। सबसे मज़ेदार होता है स्पेस स्टेशन के इन अनुभवों के बीच पृथ्वी की यादों को सहेजना। भारतीय व्यंजन मुझे बहुत पसंद है। लाभ और हानि। स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाभ हैं तो कई हानियां भी। यहां हमें रोज़मर्रा के कई ऐसे काम नहीं करने पड़ते जिन्हें करने में हमें पृथ्वी पर आलस आता है। यहां रोज़ की चिंताएं नहीं होती। हम अपने ग्रह को उस नज़दीकी से रोज़ निहारते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। यहाँ हमें काम के लिए देर नहीं होती। यह उलझन भी नहीं रहती कि आज क्या कपड़े पहने जाएं। बालों पर कंघी करने की भी सिरदर्दी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों की यादें मुझे भाव विभोर कर देती हैं। लौटने पर सुनीता की इच्छाएं। बारिश। मैं बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती हूँ। मैं 6 महीने बाद घर आ रही हूँ और ऐसे में कोई भी पानी में चाहेगा। मैं समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल में तैरना चाहती हूँ। फिलहाल तो मैं नहाना चाहती हूँ। धरती को छूना। मैंने काफ़ी वक्त अंतरिक्ष स्टेशन से नीचे देखते हुए गुजारा है। अब मैं धरती के स्पर्श को महसूस करना चाहती हूँ। समुद्र की गंध का एहसास करना चाहती हूँ। आइसक्रीम। घर से लंबे समय तक दूर रहने के बाद आइसक्रीम की इच्छा बढ़ गई है। यही एक ऐसी चीज़ है जो अंतरिक्ष में नहीं मिलती। मेरी पसंद पिस्ताचियो है जिसे मैं चॉकलेट सॉस के साथ खाती हूँ। अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की। परिवार से दूर रहते हुए भी वह अपने ध्येय से डगमगाई नहीं। भारतीय मूल की यह दिलेर महिला अपनी जीवट से हजारों मील दूर करोड़ों लोगों के लिए एक आदर्श बन गई। बच्चों, आज पाठ 8 सुनीता विलियम्स गृह कार्य। व्याख्यान 1 का आपका गृह कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सुनीता विलियम्स का जन्म
कहाँ हुआ था? ख, सुनीता के माता पिता का नाम क्या है? ग, सुनीता ने पहली बार अंतरिक्ष में कब उड़ान भरी थी? घ, सुनीता विलियम्स के जीवन से आपको क्या सीख मिलती है? धन्यवाद।